सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने कहा था मैं टॉपिक आए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के हवाले से वो मुबारक के सेल ते दीनो तो त असा यूकैरियोटिक सेल ही सजो पढ़ी वेंदासी बाकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो भी असा छह चैप्टर में पढ़ंदासी डिटेल में वो ब्रीफली थोड़ो डिनल आ बार पानी सेल करे छींदा वधिक जो डिटेल आए वो असा यूकैरियोटिक सेल इन चैप्टर में पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल छह चैप्टर में डिटेल में पढ़ी छींदा सेल के कंपोनेंट्स के हवाले से तो पहली कंपोनेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जैसे चवना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है हर सेल के अंदर मौजूद है प्रेजेंट इन इन ऑल सेल्स जैसे तो सेल्स चवो सब में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल लेकिन प्लांट सेल की गाल कर तो प्लांट्स में बाहरी साइड का सेल वॉल आए उन बाद में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो ही बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में मुराद है ही बाय अपने बुक में डबल लेयर लिखा डबल लेयर वाली भी है डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर ही बाय लेयर डबल लेयर अस चौदा हम डबल लेयर दिस इज कॉल्ड डबल ही डबल लेयर यानी बाय लेयर मिली कर डबल लेयर बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मां बे चैप्टर में ता हम डिस्कस करे चुको त भई इन बाय लेयर छो तो ठाए बाय लेयर इन जे करे तो फॉस्फोलिपिड जी खासियत जने सेम एनवायरनमेंट हो जे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल ते ही बाय लेयर देखो फॉस्फोलिपिड है ही ये का मेम्ब्रेन है ही सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल यानी इन में सिलेक्टिव मटीरियल क्रॉस थी सके तो यानी कि सिलेक्टिव मटीरियल सेल के अंदर दाखिल थी सके तो सिलेक्टिव मटीरियल सेल का बाहर निकल सके तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चवना हाँ जी स्ट्रक्चर के हवाले से गाल कंदे तो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की गाल कंदे तो इन में जो मेन कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड अंदर प्रोटीन्स मौजूद है प्रोटीन्स प्रोटीन्स के अलावा इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स अलावा इनके अंदर कुछ या भी लिपिड्स भी कोलेस्ट्रोल भी कोलेस्ट्रोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद है प्लांट सेल में कोलेस्ट्रोल मौजूद है अरे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो बेसिक कम ही हुआ तो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के मेंटेन कर रहा है कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड नहीं हाँ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद ना है कोलेस्ट्रॉल क्वेश्चन बार पूछा कर तो प्लांट सेल में छो मौजूद है प्लांट सेल के अंदर यह सलाहियत मौजूद है तो उस सीजन में अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन लिपिड्स की कंपोजिशन के चेंज कर गर्मी थी वही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के चेंज कर सैचुरेटेड जैसे सर्दी आ तो वही अनसैचुरेटेड के वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को चेंज कर एनिमल्स के अंदर सेल के अंदर यह सलाइट मौजूद है तभी कर एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल आए ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के मेंटेन कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की एक कंप्लीट का एक्सप्लेनेशन है वह जब बम मॉडल पेश किया हुआ एक मॉडल है सैंडविच मॉडल सैंडविच मॉडल के रिजेक्ट करे बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया
सैंडविच मॉडल जो आया वहाँ जो मॉडल पेश किया हुए उनके मुताबिक ही आया सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल के मुताबिक ही आया कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन्स जो क्या बाहर साइड का अंदर साइड मॉडल के मुताबिक ही आया तो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है वो बाय लेयर बिन प्रोटीन के लेयर के दरमियान सैंडविच बाद में सिंगर एंड निकोलसन भी साइंटिस्ट हुआ उन्होंने इन मॉडल के रिजेक्ट किया रिजेक्ट कर मॉडल पेश किया नाल फिलिट मोज़ेक मॉडल फिलिट मोज़ेक मॉडल बाद में डिस्कस करता हूँ फिलिट मोज़ेक मॉडल।